अगर इस वीडियो को पूरा देख लिया तो जिंदगी में कभी भी बीमारियों से परेशान नहीं रहोगे। नंबर वन, आजकल अनियमित खानपान और दिनचर्या के कारण बढ़ा हुआ पेट एक आम समस्या है। पेट की चर्बी गलाने के लिए 20 ग्राम अजवायन, 20 ग्राम जीरा, 20 ग्राम सेंधा नमक और 20 ग्राम काली मिर्च को लेकर अच्छे से कूट कर रख लें। यह मिश्रण सुबह खाली पेट एक चम्मच की मात्रा में एक गिलास छाछ में मिलाकर सेवन करने से पेट की चर्बी और मोटापा से छुटकारा मिलता है। नंबर टू, एड़ियों के दर्द से छुटकारा पाने के लिए एक ग्लास दूध में आधा चम्मच हल्दी डालें और इसे 5 मिनट हल्की आंच पर गर्म करें। अब इस दूध में एक चम्मच शहद मिलाएं और इसे पी लें। एड़ी ही नहीं, ये दूध शरीर के किसी भी हिस्से के दर्द से राहत दिलाने में कारगर है। नंबर थ्री, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए गेहूं, बाजरा, चावल, मूंग तथा 20 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम सफेद तिल को लेकर दलिया बनाएं। इसे प्रतिदिन सेवन करें। नंबर फोर, खाने के बीच में जब भी भूख लगे तो बादाम, मूंगफली, अखरोट और काजू खाएं। इनमें हाई फैट्स होते हैं, लेकिन फिर भी इससे वजन नहीं बढ़ता है तो मेयों के सेवन से न सिर्फ वजन कम होता है बल्कि दिल के स्वास्थ्य और त्वचा को भी फायदा पहुंचता है। नंबर फाइव, रुक रुक कर बोलने वाले या हकलाने वाले व्यक्ति को तेजपत्ता को जीभ के नीचे रखकर चूसना चाहिए। इससे हकलाने की बीमारी दूर होता है। नंबर सिक्स, दही पीने से पाचन क्षमता बढ़ती है और भूख भी अच्छे से लगती है। दही में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। नंबर सेवन, अगर आपको पायरिया है तो एक गिलास गर्म पानी में 4 से 5 बूंद लौंग का तेल मिलाकर प्रतिदिन गरारे व कुल्ला करने से पायरिया ठीक होता है। नंबर एट, शुगर की रामबाण दवा जानिए। बेल के पत्ते 100 ग्राम, अश्वगंधा 100 ग्राम, गुड़मार बूटी 100 ग्राम, नीमकोली 100 ग्राम, मेंथी के बीज 100 ग्राम, सुर्ख करेले 100 ग्राम, तेज पत्ता 100 ग्राम, जामुन गुठली 100 ग्राम, इन सबको पीसकर पाउडर बना ले। इसको खाना खाने से 1 घंटे पहले सेवन करें। नंबर नाइन, अगर आप मोटा होना चाहते हैं तो दूध में छुहारे उबालकर खाने से दुबला व्यक्ति भी मोटा होने लगता है। नंबर टेन, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए सुबह उठकर मुंह में पानी भरें और फिर ठंडा पानी अपनी आंखों पर मारें। रोज सुबह हरी घास पर 15 से 20 मिनट तक नंगे पांव चलना चाहिए। पैरों के तलवे पर सरसों के तेल से मालिश करने से आंखों को गजब का फायदा मिलता है। रोजाना कच्चा आंवला खाएं और ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। धन्यवाद।